के बाद हमें मनाए जाने को मिल रहा है, इसलिए सारे हमारे कुमाऊनी लोग इसे बढ़ चढ़ के मना रहे हैं। इतना उत्साह है कि हमें पता ही नहीं चला हम कितने किलोमीटर चले या नहीं चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ राकेश जोशी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज उत्तरायणी का महापर्व है। वैसे तो उत्तराखंड में हर पर्व का अपना अपना महत्व है, लेकिन उत्तराखंड में आज जो उत्तरायणी का पर्व है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से जो कुमाऊनी जो रीति रिवाज है, जो कुमाऊनी जो पहाड़ी ढोल नगाड़ों के साथ उत्तरायणी का बड़ा मेला जो है, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह से यहाँ तमाम लोग हैं, किस तरह से देख सकते हैं ये पहाड़ी ढोल नगाड़ों के साथ उत्तरायणी का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो सांस्कृतिक वेशभूषा है, देख सकते हैं किस तरीके से नाच नाच के झूम झूम के यहाँ लोग जो है नाच रहे हैं। कितना उत्साह है इस बार उत्तरायणी मेले में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 2 साल बाद कोरोना के बाद हमें मनाया जाने को मिल रहा है, इसलिए सारे हमारे कुमाऊनी लोग इसे बढ़ चढ़ के मना रहे हैं एक उत्साह की तरह। कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, हर महिलाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, तो हर तबके का व्यक्ति इस उत्तरायणी के पर्व में बड़े ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। देख सकते हैं, मैं कहूँगा एक बार अपने सहयोगी से कि दिखाए किस तरह से जो यहाँ जो महिलाएं हैं वो महिलाएं किस तरह से हाथों में फूल लेकर जो यहाँ शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको फूलों के माध्यम से उनका स्वागत किया जा रहा है। और देख सकते हैं चेतई गोलजू जो न्याय के देवता कहे जाते हैं, चेतई गोलजू को भी यहाँ जो है यहाँ शोभा यात्रा में शामिल किया गया। कितना उत्साह है मैडम इस बार? इतना उत्साह है कि हमें पता ही नहीं चला हम कितने किलोमीटर चले हैं, नहीं चले हैं, और बहुत ज्यादा मस्त है और बहुत ज्यादा खुश है गोलजू की कृपा से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो गोलजू देवता जो न्याय के देवता माने जाते हैं, किस तरह से मैं कहूँगा एक बार कि दिखा दे अपने सहयोगी से किस तरह से यहाँ जो गोलजू जो देवता जो न्याय के देवता जिनको माना जाता है वो भी शोभा यात्रा में उनको भी यहाँ किस तरह से सड़कों पर यहाँ तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है किस तरह से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देख सकते हैं पहाड़ी ढोल नगाड़ों के साथ यह सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ करे जा रहे हैं, इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और उत्तरायणी मेला कब आए, रात को नींद भी नहीं आई। 12 बजे तक हम उत्तरायणी मेले में थे, उसके बाद रात को गए, तो उसके बाद हमने ये सोच रखा कि क्या हम करें, कैसा करें, और हमारी मातृशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और युवा हैं, इतना जोश है हमारे उत्तराखंड के सभी लोगों को। ये नहीं कि हम पहाड़ी हैं, ऐसा नहीं, हम जितने उत्तराखंड के लोग हैं हम सब पहाड़ी हैं। और उत्तराखंड के तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर भी इस उत्तरायणी मेले को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। राकेश जोशी, न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।